हिमाचल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनके परिवार की संपत्ति की जांच विजिलेंस को सौंपी। विजिलेंस ने SIU2 को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का लिया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में पंचायत चुनाव के बाद पंचायतों को सीधा मिलेगा फंड, सारा सिस्टम होगा ऑनलाइन, केवल प्रबंधन का होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति का काम पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने जानकारी दी। अनिल शर्मा का दावा, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हुआ है, सारा काम निराधार है। बीजेपी के सारे आरोप, बोले पंचायती राज के रोस्टर से नहीं होगा खिलवाड़। रूसा शिक्षा प्रणाली लागू करने के खिलाफ SFI ने बंद के फैसले को टाला, परीक्षाएं होने की वजह से स्थगित की हड़ताल। मैक्लोडगंज में अवैध वन कटान मामले में धर्मशाला नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी पर गिरी गाज, हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिए, योग्य अधिकारी को नियुक्त करने का फरमान। IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट खोलने की अधिसूचना जारी। IGMC में 23 और टांडा में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद भरे जाएंगे। ट्रॉमा और इमरजेंसी प्रबंधन के MBBS डॉक्टरों को डिपार्टमेंट में दी जाएगी ट्रेनिंग। मंडी में बुधवार रात को ब्यास नदी में गिरी सुमो जीप से लापता 3 लोगों में से एक और व्यक्ति का शव हुआ बरामद, अब तक 7 में से 5 शव बरामद, 2 अभी भी लापता। हिमाचल में ठंड ने लगभग 15 दिन पहले ही दस्तक दे दी है, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। चंबा में 3 दिन से लगातार हुई बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद खिली धूप, लेकिन तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, लोगों ने गुनगुनी धूप सेक कर महसूस की थोड़ी राहत। हमीरपुर में राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की शुरुआत, सीएम वीरभद्र सिंह ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। सीएम ने हमीर स्मारिका पत्रिका का विमोचन भी किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया।